सो ओके गाइस, सो आज हम जाने वाले वाघबिल, बट हमें प्रॉपर लोकेशन नहीं मालूम एंड एड्रेस नहीं मालूम. सो हमने वाघबिल का लोकेशन जो शूट करने वाले थे वो कैंसिल कर दिया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बारा बंगलो. सो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जिसको भी वाघबिल पार्क का प्रॉपर एड्रेस मालूम है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि मैं अगला व्लॉग वाघबिल में जाके बनाऊँ. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैंने फेसबुक पे इमेजेस देखे थे उसके. सो मुझे पक्का जाना है, आप लोग एड्रेस बताएं कमेंट बॉक्स पे. सो अभी मैं जा रहा हूँ बारा बंगलो. एंड एक चीज़ बता दूँ आपको, कल रात को मैंने स्वप्निल और मेरे दोस्त शंकर को बता दिया था कि मैं वाघबिल जाने वाला हूँ, जो कि अभी नहीं जाने वाला हूँ. एंड वो लोग सुबह 11 बजे मुझे कॉल पे कॉल कर रहे, बट मैं सोया हुआ था. तो शंकर मेरा जो दोस्त है मेरे एरिए का, वो मेरे घर पे आता है और मेरी मॉम से पूछता है राहुल किधर है. तो वो मुझे देखता है कि मैं सोया हुआ हूँ, तो यार वो गुस्सा हो जाता है. फिर फटाफट मैं तैयार होता हूँ आधे घंटे में, जैसे कि मेरे एरिए का दोस्त शंकर आप लोग देख सकते हो, एंड जो मेरा दूसरा दोस्त है स्वप्निल वो थाने में रुका है. तो अभी हम लोग वहाँ पर मिलेंगे उससे एंड उसको बताएंगे कि लोकेशन चेंज हो गया है. एंड वो मेरे पे बहुत गुस्सा करने वाला है कि भाई तो 11 बजे का टाइम देखिए 12:30 बजे आता है वगैरह वगैरह, फिर भी अपन नहीं डरेंगे उससे. सो दोस्तों, जिसको जिसको बिहाइंड द सीन देखना है तो कहाँ पे फॉलो करोगे, इंस्टा पे फॉलो कर लो फटाफट. देखते टाइम हो रहा है करीब 12 बज रहे हैं एंड अभी मैं कलवा स्टेशन पर हूँ एंड अभी मैं जाऊँगा थाने एंड थाने से 10 मिनट की दूरी पर लगता है बारा बंगलो. सो फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है. एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ से सुबह 9 बजे के बाद यहाँ से ट्रेन पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है कलवा से, क्योंकि डब्बे काफ़ी भर के आते. तो उन लोगों को मेरा सलाम है जो 9 बजे के बाद यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, ऑफिस के लिए जाते, कॉलेज के लिए जाते, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है ये टाइम पर ट्रेन पकड़ना. एंड इसलिए मैं 12 बजे के बाद का टाइम प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा जमता नहीं है एंड 12 बजे के बाद एकदम खाली ट्रेन मिलती है. तो इसलिए मैं 12 बजे के बाद का टाइम प्रीफर करता हूँ यहाँ से. अभी एकदम खाली ट्रेन मिलेगी एंड अभी हम लोग पकड़ेंगे. हेलो राहुल, किधर है तू? अबे कलवा में? अबे क्या कर रहा है यार इतनी देर से? अबे कितनी देर से खड़ा हो यार इधर थाना में? कब से के बोल रहा है तू 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट में आएगा? अरे यार बस यार राहुल, वो तो क्या अभी, अबे आ जाना यार. अबे भाई जल्दी आ भाई. अबे क्या 5 मिनट लगा रहा है तू? ठीक है आ जा जल्दी आ. A few moments later. तो भाई लोग, अभी मैं थाना स्टेशन के नज़दीक पर हूँ एंड अभी मैं थाने वेस्ट कोलीवाड़ा में हूँ. तो बाकी की जो भी स्टोरी अभी स्वप्निल बताएगा आपको. अबे काई की स्टोरी, आधे घंटे लेट आया और स्टोरी बताएगा मैं? अबे भाई लोग आधे घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, 12 बजे से खड़ा हूँ. इसको फ़ोन कर रहा, बोला अब भी आएगा. 12:30 बज गया, अभी आया नहीं. और जाने का हम लोग को घोड़बंदर रोड, वो वाघबिल, जो कि आज कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ का एड्रेस प्रॉपर किसी को भी मालूम नहीं है. तो अगर आपको मालूम है एड्रेस तो कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग आगे वो वीडियो बना देंगे. तो भाई आज किधर जाने का है? सो भाई लोग, आज हम जा रहे हैं बारा बंगलो. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एड्रेस एंड टाइमिंग वाइमिंग जो भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, जाओ, सारे डिटेल्स अवेलेबल है. जाओ, सारे डिटेल्स अवेलेबल है आपके लिए. सो हम लोग जा रहे हैं बारा बंगलो इसलिए क्योंकि फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है एंड वो बारा बंगलो पड़ता है थाने ईस्ट में. तो अभी चलते हैं. चलने का क्या? हाँ, फोटोशूट करने का ना उधर पर. तेरा फोटो नहीं लेने वाले. सो आज का मौसम विभाग का कहना है काफ़ी ज़्यादा धूप होने वाली है. भाई ये धूप देख रहा है क्या? हम लोग ने अनुभव ले लिया है, बहुत है. अरे टोपी लगा ले, टोपी. अरे भाई अनुभव कौन है? अनुभव? अरे एक लड़का है मेरा दोस्त है. अच्छा अनुभव मेरे को भी नहीं मालूम कौन है वैसे. हे
गाइस अभी हम लोग बारह बंगलो पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड ये लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड ये लोकेशन पड़ता है थाने, इसमें काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी लोग फोटोशूट के लिए आते हैं एंड सुबह शाम जॉगिंग के लिए आते हैं। एंड जो यंगस्टर है वो दोपहर को फोटोशूट के लिए आते हैं, DSLR मोबाइल कैमरा SLR काफ़ी कुछ लेके आते। बोलने का मतलब ये लोकेशन का नाम बारह बंगलो इसलिए पड़ा था क्योंकि पहले यहाँ पे बारह बंगला था। अब हालांकि यहाँ पे बारह बंगलो नहीं है, बहुत अमाउंट में ज़्यादा बंगलो है, करीब यहाँ पे अभी 15-16 बंगलो से ज़्यादा ही बंगलो है। एंड जब मैं बचपन में था तो बहुत लोग बोलते थे यार ये जगह हॉन्टेड है वगैरह वगैरह, डरावनी जगह है, इधर बहुत ऊपर नीचे देखने मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे स्ट्रीट लैंप नहीं हुआ करती थी एंड काफ़ी झाड़ियाँ थी, तो उसके वजह से रात को यहाँ पे कोई आना प्रीफर नहीं करता था एंड काफ़ी अंधेरा हुआ करता था, तो लोगों को डर लगता था एंड वो डर हो गया हॉन्टेड में। ऐसा कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं है यहाँ पे, खाली अफवाह है ये। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो पेंटिंग बना रहे थे अंकल वहाँ पे एंड कॉल पे बात कर रहे हैं एंड मुझे उनका नंबर मिल चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा एंड अंकल का नाम भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। अगर आपको लगता है आपके लोकेशन में या आपके घर पे आपको पेंटिंग बनाना चाहिए इस तरीके की, तो आप फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाए एंड कॉल करें, काफ़ी अच्छे पेंटिंग बनाते हैं एंड काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है। सो जाए एंड कॉल करें। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा जॉगिंग ट्रैक है, सो यहाँ पे काफ़ी लंबा जॉगिंग ट्रैक है, पूरा राउंड ट्रैक है। यहाँ पे बड़े भी आते, बूढ़े भी आते, टीनेज भी आते, मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह को आते हैं एंड शाम को आते हैं। फिर से सुनो, सुबह को आते हैं एंड शाम को आते हैं एंड दोपहर को लोग फोटोशूट के लिए आते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, एक मिनट, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए एंड एक्टिव सब्सक्राइबर भाई आए थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टाइम हो रहा है 2:29, मतलब 2:30 बज चुके हैं एंड काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं हम लोग। तो घूमने के बाद ये पता चल गया हम लोग को कि फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो बहुत सारे लोग फोटोशूट के लिए आते हैं एंड DSLR SLR कैमरा विमरा मोबाइल से भी आते हैं एंड ऐसे राइडर्स भी आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के। सो आप आओ यार, कैमरा लेके आओ, फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है। पीछे देख सकते हो काफ़ी लोग फोटोशूट के लिए आते हैं एंड काफ़ी अच्छी जगह है, टीनेज भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं एंड हर तरीके के लोग आते हैं। Yeah.
पता नहीं कहाँ पे चले गया एंड समझ में नहीं आ रहा है। शंकर हम लोग को बोल के गया था कि पानी पीने जा रहे हैं वो, एंड मैं उसको बताने भूल गया कि एक मिनट की डिस्टेंस पर ही पानी का जगह, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो अभी पानी भरते हैं और शंकर के लिए लेके जाते हैं। एंड पार्क काफ़ी अच्छा है, जाओ यार फोटो DSLR लेके फोटो खींचाओ, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। एंड आपका एड्रेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल ही जाता है। एंड अभी पानी पीते हैं, मैं तो थक गया हूँ। शंकर को ढूंढो तुम लोग, तब तक शंकर को। फिटिंग चालू है क्या अंकल? नहीं, ये अभी जो लगा रहे इसका क्या चालू है? फिटिंग ही चालू है। तो भाई लोग, ये जो जिम खाना बना है बच्चे के लिए, लेकिन मैं थोड़ा वापर के देखता हूँ ये ऐसी करते। मैं भी मज़ा तो आ रहा है। अंकल लोग ने बहुत अच्छा काम किया फिटिंग के, अंकल जो कर रहे थे काम। अंकल को थैंक यू बोला सब लोग, सब्सक्राइबर लोग। तो मेरे बोलने का मतलब ये था, अगर मैं DSLR से शूट करता हूँ पिछला वीडियो एंड फिर मैं घर पे जाता हूँ तो DSLR की जो बैटरी होती है उसे चार्ज करना भूल जाता हूँ। सो आज मैं शूट के लिए जब आया तो पता चला DSLR की बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, बैटरी ख़त्म हो चुकी है। मेरी तो लग गई ना, जो भी अगला शूट आप देख रहे हो वो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ एंड मेरी लग चुकी है। लग गई है भाई, लग गई, बहुत गंदी वाली लग गई। फिर भी मैं आपको बढ़िया व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा मोबाइल से। अभी हमारी ब्लॉग कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरा भाई शंकर चौहान, इसका यूट्यूब पे चैनल है, काफ़ी अच्छा चैनल है, म्यूजिक चैनल एंड रैप चैनल है, दोनों एक ही में है एंड म्यूजिक भी बनाता है, रैप भी बनाता है एंड सिंगिंग भी करता है। सो भाई अभी आपको गाना गा के सुनाएंगे, उसके पहले जल्दी से जाके चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये जो मेरा दोस्त है ना, थोड़ा शर्माता है, तो आप लोग फटाक से यूट्यूब चैनल पर जाए और उसका म्यूजिक चैनल देख ले शंकर चौहान करके। सो गाइस व्लॉग कंप्लीट हो चुकी है। सो टिल देन बाय, सदा हंसते रहो, बी एनर्जेटिक, बी शानदार, जानदार, ईमानदार एंड तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू बट डोंट डू व्हाट आई डू। सो लेट्स गो बिच। ये इधर मेरे को पिंपल आ चुका है, इधर पिंपल आ चुका है, बहुत जगह पे पिंपल सारे। सो कोई दवा है तो बताओ मेरे को भी आ रहे भाई। और जो बढ़िया उसका क्या? नहीं, खिलजी मेरे को भी आ रहे क्या भाई? खिलजी बनना चाहता है? नहीं नहीं भाई, ये खिलजी बनना चाहता।